यदि आप किसी मेंढक को खोलते हुए पानी की कड़ाही में डालेंगे तो मेंढक क्या करेगा, वो कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि मेंढक को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी की कड़ाही में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ाएं तो क्या होगा, मेंढक बाहर नहीं कूदेगा। तापमान बढ़ेगा, मेंढक को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेगा। तापमान बढ़ता जाएगा, मेंढक एडजस्ट करता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि चाहे कुछ भी कर लो उसमें रह ही नहीं सकते। तब मेंढक कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक वो अपनी सारी एनर्जी सारा ताकत पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में खर्च कर चुका होगा, कूद नहीं पाएगा, उसी खौलते पानी में तड़प तड़प कर मर जाएगा। हम पूछते हैं कौन मारा मेंढक को, खौलता हुआ पानी, 100 डिग्री का टेम्परेचर, या मेंढक का एडजस्ट करते जाने का नेचर। तीनों, आजादी के बाद इस मुल्क ने आपके साथ मेंढकों जैसा सलूक किया है। उसने तापमान कभी भी इतना एक बार में नहीं बढ़ाया कि आप कड़ाई के बाद कूद जाएं। हमारा ये प्रजातंत्र आज बढ़ाता गया और आप एडजस्ट करते चले गए, आज बढ़ती चली गई और आप एडजस्ट करते चले गए और आज हालात यहां तक आ गए कि हम अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपने औरतों की अस्मिता का अधिकार खोने की कगार पर आ गए। अरे मूर्खो, अब तो कड़ाही से बाहर कूदो, इस प्रजातंत्र ने तुम्हारे साथ मेंढकों से सलूक किया है। लेकिन तुम तो मेंढक नहीं थे, मानव थे, उच्च कुल के मानव राजा थे। जब भी दोस्तों हिंदू त्योहार आते हैं, उन त्योहारों के ऊपर अब हमले आम हो गए हैं। इन विधर्मियों की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हिंदू त्योहारों का जो जश्न हिंदू मनाता था वो अब नहीं मना पा रहा है। जो भी शोभा यात्राएं निकलती हैं, दुर्गा पूजा के दुर्गा पंडालों पर जो पत्थरबाजी हो रही है, इसका एकमात्र कारण जिहादियों की जनसंख्या वृद्धि है। मदरसों में सिखाए जाने वाले पाठ जो इनके मौला मौलाना इनको आए दिन सिखाते रहते हैं, और उन्हीं लेसन्स के चलते ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। नफरत इतनी बढ़ गई है कि एक तरफा सेकुलरिज्म हिंदू ढो रहा है अपनी पीठ के दम पर, लेकिन ये लोग अपने मकसद में बिल्कुल क्लियर हैं। इनको सिर्फ एक ही चीज बताई गई है कि अल्लाह ने कहा है कि काफिरों को खत्म करना है। काफिर वो जो अल्लाह को ना माने। अपनी मस्जिदों में दिन में 5 बार यही चीज ये दोहराते रहते हैं, कोई पूजने लायक नहीं है अल्लाह के सिवाय। हिंदू सेकुलरिज्म का बोझ कब तक ढोता रहेगा, कब तक ये सेकुलरिज्म की पीपनी बजाता रहेगा? अवैध हथियार ये घर पे रख रहे हैं, गोलियां रख रहे हैं, हमारी जो पूजा पद्धति है उसमें खलल डाल रहे हैं, दुर्गा पंडालों के ऊपर ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, मां दुर्गा विसर्जन पर गोलियां चला रहे हैं, मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित कर रहे हैं। हमारे देश का विभाजन जब हुआ था 1947 में, वो मजहब के आधार पर हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान बना इस्लामिक देश, जो बांग्लादेश है वो भी बना इस्लामिक देश, लेकिन भारत को धर्मशाला बनाकर रख दिया गया है। हिंदू को अपने त्योहारों को मनाने की आजादी भी नहीं है। ताजिए जब निकलते हैं उस पर कोई भी हिंदू पत्थरबाजी नहीं करता है। जब मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ने बैठते हैं कोई हिंदू उनके ऊपर पत्थरबाजी नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हिंदू त्योहार आते हैं, हमारी शोभा यात्राएं निकलती हैं, उनके ऊपर जो पत्थरबाजी करने का एक ट्रेंड चल चुका है, और सेकुलर हिंदू उस सुतर मुर्ग की तरह वैसे ही आंखें बंद करके बैठे हुए हैं जो शिकारी सामने से आ रहा है, लेकिन वो आंखें बंद कर रहे हैं ये सोच करके कि हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि जिस अब्दुल हमीद के घर में रामगोपाल मिश्रा जी को बुरी तरह बेदर्दी से मार दिया गया, उसके दोनों बेटों को नेपाल बॉर्डर पर यूपी पुलिस की एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर की खबर आते ही हम सब हर्षोल्लाहित हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पुलिस भी सेकुलर निकली और उसने जो गोली है वो टांग में मारी, जिहादियों की टांग में गोली मार कर वो हॉस्पिटल में भर्ती कर थोड़े दिनों के बाद बेल पर ये लोग छूट जाएंगे और फिर ऐसे ही कृत्य करते रहेंगे, अपराधी बाहर घूमते रहेंगे और ऐसे ही निर्दोष लोगों की निरपराध हत्या ये लोग करते रहेंगे। जिस तरह कुत्ते अपना एरिया निर्धारित करते हैं और उस एरिया में अगर कोई दूसरी प्रजाति का कुत्ता अगर आता है तो वो कुत्ते उसको भौंकते हैं, उसको काटने को दौड़ते हैं और ये कहते हैं कि तू हमारे इलाके में नहीं आ सकता, ये हमारा इलाका है। तो दूसरे एरिया का कुत्ता उनके एरिया में आता है तो वो उस पर हमला कर देते हैं। ऐसी स्थिति कुछ इंसान
इंसानों की हो चुकी है। इंसानों ने भी अपने एरिए बना लिए हैं, अब इलाके तो कुत्ते बनाते हैं। क्या इंसान कुत्ते बन चुका है? बहराम में राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है दोगले हिंदुओं के कारण। नहीं, वह गोली लगी है भाई साहब जैसे दोगले हिंदुओं की वजह से। या दोहा दोगले हैं आप अगर उनके साथ नहीं खड़े होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। अखिलेश उनके साथ नहीं खड़े होते, अपने राहुल गांधी नहीं खड़े होते, ममता बनर्जी नहीं खड़ी होती तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने घर में नाजायज रूप से बंदूक गोली कट्टा रखते। क्या दोस्त था उनका उस बच्चे का? उस बच्चे ने चढ़ के सपोज करिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कौन सा डीजे बज रहा था, तो बज रहा था कि मोदी योगी आएंगे, इससे समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा। मैंने इसी देश में अगर कहीं डीजे बज रहा हो किसी रास्ते में जिसमें मुसलमान ज्यादा हो और वहां डीजे बज रहा हो कि योगी और मोदी आएंगे और एक बच्चे को खींच के गोली मार दिया जाएगा और इन जैसे दोगले लोग आएंगे और समर्थन करेंगे, तो ये दोगले नहीं है, पता नहीं इनका खतरा हुआ है क्या किया है। दोस्तों, इन लोगों की मंशा बड़ी ही क्लियर है, ये अपने मकसद को नहीं भूल रहे हैं। इनको जो सिखाया गया है इनके मुल्ला मदरसों में, वो मदरसों को वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। अब ये चाचा जान देखिए क्या कह रहे हैं। ये चाचा कहते हैं कि हम ऐसे ही करेंगे। आपकी दुश्मनी ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये दुर्गा पूजा पर ये पथराव होते हैं, वहाँ पर एक लड़की की जान ले ली गई है, ये ऐसी चीजें क्यों होती है? और केवल हिंदुओं पर, मुसलमान क्यों? उनको रोक नहीं सकते, ये इनका बाप भी नहीं, ये नहीं, ये कोई नहीं रोक सकता, कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता। ये समाज के उच्च पायदान पे खड़े हैं कि कल ये खिसक सकते हैं, लेकिन ये बूढ़े लोग हैं और ये अपने समाज के उन लड़कों लोगों को कह रहे हैं कि ये होता रहेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहा है। तो बाप योगी ऐसा रोकेगा, 72 उड़ने के पास पहुँचा दो, चिन्हित करके एक 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 गिर के 72 उड़ने पास पहुँचा दो। अगर दंगा करेंगे तो एक गंगा वाले यूपी में नहीं रहेगा, गंगा मुक्त यूपी रहेगी। बताइए, ताजिया पर कब पथराव हुआ मुसलमानों का? कब हुआ? अभी हुआ, नहीं हुआ। कभी पत्थर फेंका गया ताजिया पे? मस्जिदों से ही क्यों फेंके जाते हैं पत्थर? कभी चला कोई है भी किसी ताजिया पर गंदगी मारी? जाकिर नायक नाम का जिहादी भी भारत में यही बात करता था, वो लोगों को उकसाता था। उनकी जो किताब है उसमें जो चीजें लिखी हैं वो उनको पढ़ पढ़ के बताता था। देखिए ये जाकिर नायक क्या कह रहा है हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए, जिनको ये लोग काफिर समझते हैं। हिंदुओं को काफिर का नाम दे दिया गया है। जब भी आप कोई काफिर को देखेंगे, काफिर को पाएंगे, हिंदू को पाएंगे, उसका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की आयत को पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही है, उस आयत में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जब संविधान और कुरान में बात आती है कि भैया आप संविधान को मानोगे या अपनी कुरान को मानोगे, आप संविधान के हिसाब से चलोगे देश में या कुरान के हिसाब से चलोगे, तो ये बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहते हैं लाइव टीवी पर दुनिया के सामने कि भैया हम तो भैया अपनी कुरान के हिसाब से ही चलेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? तो हिंदू जो है वो संविधान से चलता है, तिरंगे के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो भारत की फौजें हैं, वो भी अपने देश और अपने वतन के लिए अपनी जान तक दे देती हैं। लेकिन एक ऐसी कौम है हमारे देश में जो सिर्फ ये कहती है कि हम चलेंगे तो सिर्फ अपनी मजहबी किताब, उस आसमानी किताब के आधार पर, हमें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये जाहिलता कब खत्म होगी और भारत की सरकारें वोट बैंक की राजनीति से उभर कर इसके ऊपर एक्शन कब लेंगी? हिंदू की हालत पिंजरे में बंद मुर्गे की तरह हो गई है। क्या ना पब्लिक, हिंदू है ना पिंजरे में बंद मुर्गों की तरह हो गया है। जिसका नंबर आता है वो चिल्लाता है और जिसका नंबर नहीं आता है वो दाना चुमते बैठता है, अपने कटने का इंतजार कर रहा है वो हिंदू। कड़वा है मगर सच है, जाग जाओ सालो वरना तुम्हारा नंबर आने को टाइम नहीं लगेगा। जय श्री राम। दोस्तों, मंदिर पूजा के स्थल होते हैं मस्जिदें भी, वहां पर ये लोग अपनी नमाजें पढ़ते हैं। हिंदू मंदिरों में अपने भगवान अपने इष्ट को याद करता है। रिलीजियस फ्रीडम हमारे देश में जो है वो हमारे संविधान के थ्रू दी गई है, लेकिन फिर भी इन जिहादियों के दिमाग में ये चीज कौन डाल रहा है कि तुम्हें मंदिर ही तोड़ने हैं? लेकिन इन जिहादियों का मकसद बड़ा ही साफ है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से? मंदिर बनाने से या फिर शराब से? शराब से और उससे, मंदिर से। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, आप जैसी है ना, बहन जैसी तो हूँ, लेकिन जब मेरी प्रार्थना की जगह खुलती है तो आपको दिक्कत होती है मंदिर खुलने से? ये कैसा भाई बहन का नाता हूँ? हम पढ़ते हैं नमाज, आप जाते हैं मंदिर में, वहाँ हो गए पूजा पाठ, आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होता है? बहुत प्रॉब्लम होता है।
हम मुसलमान हैं, मंदिर आपके लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है, और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? दोस्तों कितनी भी चीजें बता लो, लेकिन ये सेकुलर हिंदू जो सनातनी है, जो दोगला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जितना कुछ भी हो रहा है ये वोट बैंक के लिए हो रहा है। राजनेता ये सोचते हैं कि ये सेकुलर वोट तो मेरा है ही है, लेकिन मुझे विशेष वर्ग का वोट भी मिल जाएगा अगर मैं तुष्टीकरण करूंगा। तो जब तक सेकुलर हिंदू पूर्ण तरह से अपने धर्म को नहीं समझेगा, तब तक ये हत्याएं नहीं रुकेंगी। और राम गोपाल मिश्रा के जो हत्या का जो कातिल है वो सेकुलर हिंदू है दोस्तों, उसकी ही वजह से इनडायरेक्टली ये चीजें हुई हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय सत्य सनातन।